आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। के साथ त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं अब तक की खास खबरों का। मथुरा में ईदगाह मस्जिद को लेकर चल रहे विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि पहुंचे, जहां उन्होंने यहां केशव देव मंदिर की ठाकुर जी के दर्शन किए। इसके बाद गर्भगृह और योग माया मंदिर में दर्शन किए। यहाँ से जन्म स्थान में भागवत भवन में पहुंचे, जहाँ मुख्यमंत्री ने विधि विधान से भगवान श्री राधा कृष्ण की पूजा अर्चना की। बल्लभगढ़ विधानसभा के संजय कॉलोनी और बापू नगर में जी प्लान से बनने वाली करीब 51 लाख की लागत से बनने वाली दो मुख्य सड़कों का स्थानीय लोगों के हाथ नारियल फोड़कर कार्य का शुभारंभ किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने कहा कि बल्लभगढ़ विधानसभा में पीने के पानी की कोई समस्या नहीं रहेगी और सीवर का व्यवस्था को दुरुस्त के लिए सीवर लाइन डाल दी गई है, जो कि जल्द ही सीवर के गंदे पानी को कॉलोनियों से निकालने का काम करेगी। आज मैंने संजय कॉलोनी और बापू नगर के दो मेन रास्ते हैं और जो सारे रास्तों के जो मुख्य मार्ग हैं और मुख्य मार्ग की जो हालत है वो खस्ता है। 51 लाख की लागत से दोनों सड़कों को बनाने का काम करेंगे। इसका टेंडर भी होगा, काम भी 10 दिन में लोगों को सड़क और 10 दिन में लोगों को इस सड़क रहेगी। लोग बार बार हमारे कि कोई काम है, यहाँ का मुख्य कारण एक ही है, पार्क की दिशा है। एक इनकी सीवर लाइन है, सीवर लाइन भी हमारी 4 दिन में चालू हो जाएगी। संजय सीवर की भी समस्या इनकी खत्म हो जाएगी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 6 कार्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी और फिर इस मामले में लखनऊ के मड़ियावा थाने में FIR दर्ज की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तेलंगाना से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार पकड़ा गया युवक तमिलनाडु का रहने वाला है, जिसके बाद लखनऊ पुलिस और ATS की टीम तमिलनाडु के लिए रवाना हो गई। देखिए, धमकी देने वाले कौन है उसकी जाँच होगी और जाँच में जो दोषी होंगे उनको पकड़ करके उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय या उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता, सबके सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो सरकार निभाएगी। लेकिन इस प्रकार की धमकी क्यों, कैसे आई है, कौन इसके पीछे है, इसके तह तक जा करके जाँच की जाएगी और जो इसके दोषी होंगे उनको पकड़ा जाएगा। नीलकंठ मनी जी की कंप्लेन के आधार पर थाना मड़ियाओं पर एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, धारा 507 और 66 FIDR के अंतर्गत। इसमें एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक मैसेज आया था कि RSS के कुछ ऑफिसेज हैं जिनको बम उड़ाने की धमकी दी गई थी, जिसमें से एक ऑफिस हमारे यहाँ अलीगंज सरस्वती विद्या मंदिर भी है और इसमें UP ATS और थाना मड़ियाओं की पुलिस टीम की संयुक्त ऑपरेशन से जो जिसने भी ये मैसेज भेजा था उसकी लोकेशन तमिलनाडु में ट्रेस की गई थी और उसको तमिलनाडु से अभी उठा लिया गया है, कोऑर्डिनेट करके उनको यहाँ पे लाया जा रहा है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर अलीगढ़ से है, जहां की DM सेल्वा कुमारी जे ने नवीन नगर पंचायत टप्पल व नगर पंचायत जटारी सहित नगर पालिका खैर का निरीक्षण किया। इस दौरान DM ने नगर पंचायत में सौंदर्यकरण, यातायात व्यवस्था एवं मुख्य सड़कों और बाजारों को अतिक्रमण मुक्त रखने के निर्देश दिए। इसके साथ ही अमृत सरोवर निर्माण कार्य में तेजी लाई जाने के अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारियों को निर्देश भी दिए और ग्रामीण क्षेत्रों में तालाबों पर हो रहे अवैध कब्जों के बारे में जानकारी ली गई। पंचायतों का सौंदर्यीकरण और हम लोग का एक अभियान चल रहा है ट्रैफिक व्यवस्था, वेंडर्स को लेकर के नियंत्रण करना और कई चीज़ों में नगर एरिया पे फोकस हम लोग लगा रहे हैं। उसी क्रम में अभी टप्पल है, नया नगर पंचायत है, 2018 में इनका शायद प्रपोजल गया है, अभी 20 में आई थिंक पिछले साल ही ये फंक्शनल हुआ जून में। तो अभी काफ़ी चीज़ें प्रिलिमिनरी स्टेज में है, अभी जो भी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से यू साहब को जो भी सहयोग चाहिए वो अभी हम लोग कर लेंगे, प्रिलिमिनरी प्लानिंग कर रहे हैं।
खबर रायबरेली से है, जहां 70 साल के बुजुर्ग और उनके 24 साल के पोते पर अज्ञात हमलावरों ने चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमला करने के बाद अज्ञात हमलावर मौके से फरार हो गए, जिसके बाद घायलों को गंभीर हालत में उपचार CSC इलाज के लिए भेजा गया। हालत गंभीर होने से दादा और पोते को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। खबर अलीगढ़ से है, थाना सिविल लाइन के अंतर्गत SSP कार्यालय में जिले भर में दलित समाज के ऊपर हो रहे अत्याचारों को लेकर बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष ने नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने SSP को ज्ञापन सौंपा और न्याय की गुहार लगाई। ये जनपद अलीगढ़ में दलितों पर, शोषितों पर हो रहे अन्य अत्याचार के विरोध में आज बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों को लेकर कप्तान साहब से मिला। गांव टोआ में का प्रधान हूँ मैं। क्या मामला क्या है? मामला ये है कि कुछ दबंग लोगों ने पहले मुझे बुलाया और मुझे बुला के मेरे ऊपर हमला किया। उन्होंने गोली चलाई, वहाँ से मैं बच के भागा, फिर उन्होंने दूसरी गोली रास्ते में चलाई मेरे ऊपर। इतनी देर में मैं थाने भाग के पहुँच गया, अपनी गाड़ी को वहीं पर छोड़ के। अभी तक पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की है। खबर फरीदाबाद से है, जहां जेल में बंद महिला कैदी ने अज्ञात कारणों के चलते जेल के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें, मृतक महिला के परिजनों के मुताबिक महिला धारा 307 के मुकदमे में जेल में बंद थी। फिलहाल मृतक महिला के शव को पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, परिजनों को सौंप दिया और पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई। कल मेरी दीदी से बात हुई थी, मेरे को समझा रही थी, नू कह रही थी कि भाई तू टूटे जाइयो, अपने टेम्पो से चला जाइयो, मोटरसाइकिल से मत जाइयो, क्योंकि इन्होंने कोई परसों अगर इनकी कोई चीज आ रही दीदी की कोई बात हुई होगी तो इन्होंने, इसलिए मेरी दीदी ने ऐसी बात कही थी मेरे से। कर नू कह रही थी किसी अनजान व्यक्ति को घर में मत आने दियो, कहने का मतलब ये है कि तेरे जीजा कुछ भी करवा सकते, कुछ भी फंसवा सकते, तेरे साथ कुछ हो सकता है। हमारी बेटी का न्याय मिला कि बेटी हमारे कैसे मरी, इतना पूरी पुलिस भरी बात हुई थी, पूरी पुलिस भरी पूरी। 12 बजे जब इसका फोन गया तब इन दोनों के बीच में बात का हुई, ये पूछना। हमारी 18 साल पहले शादी हुई थी जी, 3 बच्चे हैं जी मेरे, 2 लड़की 1 लड़का जी। वो खूब अच्छे से रह रहे थे, पता नहीं उसको क्या हुआ क्या नहीं। 1 साल से उसका जो है स्वभाव कुछ मेरी तरफ से बर्ताव कुछ अच्छा नहीं था जी। और अभी 2 महीने पहले तकरीबन 25 मार्च को उसने मेरे पे गोली चलवाई थी। खबर गाजीपुर से, जहां घर के बाहर दरवाजे पर सोते समय युवक की चाकुओं से घोप कर हत्या कर दी गई, जिसके बाद सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा। वहीं मृतका के पिता की तहरीर पर पुलिस ने 2 भाइयों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जाँच शुरू कर दी। आज रात 2:30 बजे गहमर थाने में एक सूचना आई थी कि गहमर में उत्तर टोला में एक व्यक्ति का से चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। जो घायल था उसका नाम विक्की चौधरी है, और फिर उनके घर से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि एक राजू और दीपक मल्ला हैं, जिनकी बहन पूजा थी जिससे बातें करता था, उसी को उसमें इन लोगों ने उसको मारा था, बाद में उसकी डेथ हो गई है। इस घटना पर, इस सूचना पर उसका तहरीर लिखी जा रही है, मौके पर लाइन दादा की कोई समस्या नहीं है, गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। गाजियाबाद के इंद्रापुरम थाना क्षेत्र में रफ्तार का कहर सामने आया है, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क पर चल रही 3 रेहड़ी में टक्कर मार दी, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में 3 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को दिल्ली के अस्पताल में एडमिट कराया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हालांकि घटना के बाद कार का ड्राइवर मौके से फरार हो गया, पुलिस जिसकी तलाश में जुटी है। थे जब उधर बाजार से किनारे किनारे आ रहे थे, धीरे धीरे इधर से गाड़ी तेज रफ्तार से जा रही थी, जब तक देखा इधर उधर तो एकदम वो ठा ठा करते ठोंकती चली गई। पहले तो पैर में लगी हमारे, ठेली एकदम टूट गया, फिर दूसरे में लगी, उसके 2 टुकड़े हो गए, तीसरे में लगी तो गाड़ी साथ में ले गई। मैं धीरे धीरे आ रहा था, उधर से सामने से उसने टक्कर मार दी जोर से। आप लोग कहाँ से आ रहे थे? बाजार से। कितने लोग थे आपके साथ? हम लोग थे 4 लोग। कल रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि रात्रि में लगभग 1 बजे के करीब एक जगुआर गाड़ी से ज्ञानखंड इलाके में एक एक्सीडेंट की सूचना प्राप्त हुई थी। जब जाके मौके पर पड़ताल की गई तो ज्ञात हुआ कि जगुआर गाड़ी से 3 ठेले वालों का एक्सीडेंट हुआ है।
जिनमें तत्काल जो घायल थे उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाया गया है, उनका इलाज कराया जा रहा है। बाकी सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधि कार्रवाई की जा रही है। बिजनौर कोतवाली पुलिस और स्वाट टीम ने 5 शातिर पशु चोरों को चोरी किए गए पशुओं के साथ उन्हें गिरफ्तार किया और गिरफ्तार किए गए सभी पशु चोरों को जेल भेजा। बता दें पशु चोरों के पास से पुलिस ने 6 जिंदा पशु और अवैध तमंचा बरामद किए। कोतवाली पुलिस एवं स्वाट सर्विलांस टीम ने आज 5 शातिर पशु चोरों को 6 जिंदा भैंसों के साथ गिरफ्तार एवं बरामद किया है। श्यामपुर हरिद्वार के रहने वाले बरगुजर जो बरसात के बाद बिजनौर के रावली गंगा के मैदान में आ जाते हैं। अनेक बरगुजर हैं। 23-24 की रात में 10 भैंसें चोरी हुई। शमशेर सिंह ने FIR कायम कराया। 5 साथी चोर जिसमें कासिम, साजिद, शकील, मुनव्वर और गुलाम हैं। 4 भैंसों को पोस्टपेट बाजार चाँदपुर रोड पर बेच दिया था। 6 भैंसों को महिंद्रा पिकअप गाड़ी में लाद करके ले जा रहे थे। पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है, बरामद किया है। अब तक की खास खबरों में इतना ही। बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।